किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ देखी है? अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो तो ये सपना नहीं हकीकत कहलाएगा। नाम खान सर। आज के खुशीर दिने तुम्हारी आगमने धन्य होलो ए भूमि जे तुमी देव तुमी दाता विपदे तुमी त्राता भाग्य विधाता तुमी जे आज के खुशीर दिने तुम्हारी आगमने धन्य होलो ए भूमि जे तुमी देव तुमी दाता विपदे तुमी त्राता भाग्य विधाता तुमी जे আনন্দে নাচে মন আনন্দে বাঁচে মন স্বপ্ন যে সাজে দু চোখে আজ প্রাণের উচ্ছ্বাসে মাতে মন উল্লাসে আশা জাগালে তুমি শূন্য বুকে আজকে খুশির দিনে তোমারই আগমনে ধন্য হলো এ ভূমি যে তুমি দেব তুমি দাতা বিপদে তুমি ত্রাতা ভাগ্য বিধাতা তুমি যে হারানো সকালে তোমাকে কোলে পারিনি দোলাতে ও সেই ছেলে বেলাতে পারিনি এই পথে চলতে শেখাতে হাসি আর খেলাতে পারিনি আমি যে ওই মন ভোলাতে ও নিঝুম সেই রাতে ঘুম ঘুম সেই গান পারিনি শোনাতে এসেছো সেই তুমি বাড়িয়ে দিতে হাত দিন দুঃখীর বিপদে মামাটি মানুষের সবুজে সকাল এলো তোমার শপথে আজকে খুশির দিনে তোমারই আগমনে ধন্য হলো এ ভূমি যে তুমি দেব তুমি দাতা বিপদে তুমি ত্রাতা ভাগ্য বিধাতা তুমি যে महसूस करते हैं सर इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं शायद आपको ये बात नहीं पता है और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर और आप भी जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना शायद इसमें सुधार भी होने वाला है कैसा महसूस करते हैं सर आप देखिए हर कोई इंसान कैसे महसूस कर सकता हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप ठगबे नहीं कीजिएगा जब आपको लग जाए कि नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलना तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा इस ऐसी पीढ़ी जाग रही और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी उसको हम जगा के रहेंगे हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गांव के कन्याकुमारी के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज इस देश के युवाओं को दीजिए जिससे वो इस देश में क्रांति लाए और पॉजिटिव क्रांति लाए ताकि अपना देश जो है ना वो महाशक्ति बन सके विश्व गुरु बन सके एक मैसेज सर युवाओं के लिए कि हर युवाओं को क्या कहा जाए तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है युवाओं को भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए निरंतरता से पढ़ते रहिए पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको अभी भी आपके हाथ में आपका फ्यूचर का हथियार है अगर आपके पास शिक्षा आया तो हर चीज़ को आप लड़ के ले सकते हैं और पढ़ाई के प्रति अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा रही बात आप लोग की समस्याओं में तो हम अपने आखिरी सांस तक डटे रहेंगे आप लोग के साथ खड़े रहेंगे युवाओं के साथ और